वेलकम बैक डियर स्टूडेंट, लेट अस कंटिन्यू आवर लेसन। वी हैव फिनिश्ड सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट कंटिन्यूस टेंस। नाउ लेट अस फिनिश आवर टू फॉर्म्स ऑफ सिंपल पास्ट टेंस टुडे। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स सिंपल पास्ट परफेक्ट टेंस। नाउ सी ऑन द स्क्रीन, द पास्ट परफेक्ट tense refers to something that occurred in the past before another action in the past। ये past perfect tense होता है, पहले जो past में घटित हुआ घटना, something it occurred in the past, घटित हुआ घटना before another action in the past, उसके आगे घटा जो घटा घटना उसको हम लोग जब कहते हैं तो हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस में हम लोग कह सकते हैं। लेट अस रीड अगेन, द पास्ट परफेक्ट टेंस रिफर्स टू समथिंग दैट ऑकर्ड इन द पास्ट। पास्ट परफेक्ट पास्ट में घटित हुआ घटना के बारे में बताते हैं। बिफोर अनदर एक्शन इन द पास्ट, उसके आगे घटित हुआ को भी हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस में वी कैंट राइट इट। He had jumped into the water before she told him how cold it was। मैं उसको कहने जा रहा था पानी ठंडा है, लेकिन उससे पहले ही क्या हुआ, वो jump किया। यहाँ दो past action है लेकिन वो one after another है। So if we have to tell that action, we can prepare past perfect tense। Now it is also used to express unfulfilled wish का मतलब होता है जो अधूरा इच्छा को भी ये पास्ट परफेक्ट टेंस में बताया जा सकता है। इफ आई हैड रिक्वेस्टेड हिम, अगर मैं उसको रिक्वेस्ट किया होता, ही कुड हैव हेल्प मी, वो मुझे हेल्प करता। यहाँ पर भी दो एक्शन है, जैसे अनफुलफिल्ड विश्ड है, यहाँ पे अगर मैं उसको मना लेता अथवा मैं उसको रिक्वेस्ट कर लेता तो शायद वो मुझे हेल्प करता, लेकिन यहाँ पे हेल्प नहीं किया है क्योंकि मैंने यहाँ रिक्वेस्ट किया ही नहीं है। सो दिस टू एक्शंस एंड बोथ शुड बी इन पास्ट हैपनिंग, पहले ही घटित होना चाहिए दो सिचुएशन। At that time also, if we have to say, हम लोग को कहना है तो हम लोग past perfect tense use कर सकते हैं। Let us see the structure of affirmative sentences. Subject plus had plus past participle form of verb plus object before subject plus verb past simple form plus object. She had loved me before we broke up. यहाँ पे structure बताया गया है बिफ़ोर आफ्टर, क्योंकि हम लोग पास्ट परफेक्ट में टू एक्शंस बताने के लिए बिफ़ोर आफ्टर तो हम लोगों को लिखना ही है। सो यहाँ बिफ़ोर लगा के जो एफर्मेटिव सेंटेंस फॉर्म हुआ है उसका स्ट्रक्चर ये है, हैड लगाना ही है, परफेक्ट है, सो ये पास्ट है, सो हैड लगाना है। पास्ट पार्टिसिपल V3 लगाना है, वर्ब का V3 यानी ऑब्जेक्ट, उसके बाद में बिफ़ोर यूज़ करना है, सब्जेक्ट, फिर पास्ट सिंपल फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सी हैड लव्ड मी बिफोर वी ब्रोक अप, यहाँ पे ब्रोक ब्रेक ब्रोक या ब्रोकन। फर्स्ट कंडीशन में हम लोगों को V3 लगाना है, सेकेंड कंडीशन में हम लोग बता रहा है, सेकेंड इवेंट बता रहा है तो हम लोगों को V2 लगाना है। नाउ लेट अस सी एग्जांपल टू, after plus subject plus had plus past participle form of verb plus object, subject plus verb past simple form plus object, after I had taken my breakfast I went to school, after I had taken यहाँ पे V3 है। हम लोग जब भी past ये दो action हम लोग बताने जा रहा है तो हम लोग first V3 use करना है, उसके बाद में V2 use करना है। So after I had taken my breakfast I went to school, same condition in
बिफोर ऑल्सो, बिफोर में भी हम लोग, या आफ्टर का हुआ वो बिफोर का, हम लोग पहले V3 यूज़ करना है उसके बाद में V2 यूज़ करना है। इन दिस वे वी कैन फॉर्म द पास्ट परफेक्ट टेंस। डियर स्टूडेंट लेट अस मूव टू आवर नेक्स्ट फॉर्म ऑफ पास्ट टेंस एंड दैट इज लास्ट फॉर्म ऑफ पास्ट टेंस। सो वेट अ लिटल एंड टेक अ शॉर्ट ब्रेक।